10:15:24 कृपया भूतजं दुःखं दैवं झय्यात् समाधिना आत्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्वनिषेवया। सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स अपने मन को अपने वश में करने के लिए, जैसे कि भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि मन वायु से भी मुश्किल है अपने वश में करना। वायु फिर भी वश में की जा सकती है, बट मन को वश में करना मुश्किल है। इनफैक्ट कुछ शास्त्र मन को पागल हाथी से कंपेयर कर रहे हैं, प्रमत्थ पागल हाथी। हाथी जब पागल होता है तो यू कैन इमेजिन क्या करेगा। मतलब हमारे जो उडुपी है, उडुपी जहाँ पे मैंने पढ़ाई की थी, यहाँ पे मध्वाचार्य का मठ है, तो वहाँ पे वो लोग हाथी पालते हैं। साउथ इंडियन टेम्पल्स में हाथी पालते हैं। सबसे पहले भगवान के सामने हाथी जाता है। सो वहाँ पर हाथी था और हम रोज आते थे मंदिर। एक दिन हाथी पागल हो गया तो हम गए, तो वहाँ पे हमें बताया हाथी पागल हो गया है, भाग रहा है। तो हमें तो मतलब हम तो मंदिर में गए तो वहाँ हाथी सब चेन वेन तोड़ के, मतलब जो गाड़ियों के पापड़ बना रहा था, मारुति पे एक पैर का पापड़ बन गई, दूसरा पैर का पापड़ बन गई। ही वॉज जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल। सब भाग गए इधर उधर, हम भी अंदर छुप के बैठे थे, इसको किसी तरह पकड़ा। पागल हाथी बहुत डेंजरस होता है। इनफैक्ट वॉर्स में जब लड़ाई होती थी तो इंडियन किंग्स हाथी यूज करते थे। हाथी सिर्फ इंडिया में ही है, बाहर नहीं होता। अफ्रीका में होते हैं बड़े बड़े मैमथ्स, मगर वो आप उनको वॉर में यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो कंट्रोल ही नहीं आ सकते। तो इंडियन एलिफेंट्स वॉर में यूज होते थे। जब लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, तो वो हाथियों को शराब पिला देते थे और छोड़ देते थे तो क्या करेगा, यू कैन इमेजिन। सो मन उस तरह पागल हाथी के समान है जिसने शराब पी हुई है। आपको खुद भी नहीं पता आपके साथ क्या करने वाला है वो, दूसरों की तो छोड़ दो। तो इस मन को अपने वश में कैसे करें, उसके लिए नारद मुनि कुछ एडवाइस दे रहे हैं। तो मैंने कुछ डिस्कस किया था, आज हम आगे चल रहे हैं 26वें श्लोक में, सॉरी 24वें श्लोक में। कृपया भूतजम दुखम, नारद मुनि कह रहे हैं कि कृपया भूतजम दुखम, मनुष्य को चाहिए कि अन्य जीवों के कारण होने वाले दुखों का प्रतिकार अच्छे आचरण तथा ईर्ष्या रहित होकर करे। मतलब कृपा के द्वारा आप दूसरों के द्वारा जो दिए हुए दुख को हटा सकते हो। भाई अब एक तो आपके मन से दुख मिल रहा है, मन को दुख मिलता है जब दूसरे दुख देते हैं, प्रॉब्लम तो क्रिएट करते हैं ना लोग। भूतजम मतलब लोग, कभी रिश्तेदार, कभी ये, कभी वो, मन परेशान होता है। तो उस परेशानी से क्या कैसे बचें, लोगों को तो बदल नहीं सकते आप, तो क्या करें। तो हम उस परेशानी से बच सकते हैं जब हमारे मन में उनके लिए कृपा होगी। जब कृपा होगी तो वो हमें तंग करेंगे तो आपका मन उनको माफ कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है माफ करो, ठीक है जो उसने किया हमारे साथ ठीक है, दैट्स ओके। कृपा से हम इन परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं, वरना ऐसा होता नहीं। हमारे साथ कोई करता है तो हम सोचते रहते हैं उसने ऐसा क्यों किया, बकवास है, उसके बाद ऐसा हो जाए, उसके बाद वैसा हो जाए, ये सोच सोच के पागल हो जाते हैं। सो दैट्स ये नारद मुनि की एडवाइस है, कृपया, कृपा के द्वारा। इसलिए कहावत है कि, इसलिए कहते हैं शास्त्रों में कि जो या एक्चुअली इंग्लिश में सही है कि लव दोज हु हेट यू एंड एम्ब्रेस दोज हु वॉन्ट टू किल यू। बहुत बड़ी बात है, जो आपसे नफरत करता है उससे प्रेम करो, जो आपको मारने आए उसका आलिंगन कर लो। इस साधारण मनुष्य के लिए असंभव है, आप लोग शायद 7 जन्मों में भी ना कर पाओगे। आप लोग क्या मतलब, कोई भी साधारण इंसान के लिए मुश्किल है। बट अगर आप भगवान का नाम लोगे,
भगवान के साथ जुड़ोगे तो ऐसे महान गुण आ जाएंगे आपके अंदर, और फिर चाहे पूरी दुनिया ही आपके आपका विरोध करने लगे आप कोई परेशान नहीं होगे, क्योंकि जितना कोई विरोध करेगा आप उतना ही उससे प्रेम करोगे, परेशानी खत्म। ये भक्त होते हैं, ये वैष्णव है, इसको कहते हैं भक्त। और भक्तों में सारे अच्छे गुण आ जाते हैं जो कि एक साधारण आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। कैसे? क्योंकि वो भगवान से जुड़ता है, भगवान का नाम लेता रहता है। सुकृपया भूतजम दुखम, दैट्स अ बिग थिंग। वो नहीं था, वो क्या था, वो एग्जांपल, वो केकड़े का नहीं होता, वो थे ना जो संत, एक बार नदी के पास गया कोई साधु वैष्णव थे, तो वहां पे उसने देखा कि वहां पे उस नदी में वो बह रहा था केकड़ा, केकड़ा समझते ना आप, बिच्छू बिच्छू। तो उसने साधुओं के हृदय तो कृपा होती है, डूब रहा था तो उसने बचा लिया उसको, उसने हाथ में लिया उसने काट लिया, बिच्छू का काटा पता है बहुत दर्द होता है, उसने एकदम से हाथ से छूट गया, फिर गिर गया, फिर उसने बचाने की कोशिश की, फिर उसने काट लिया, फिर छूट गया, ऐसे करता रहा। तो एक साइड में आदमी देख रहा, उसने कहा ये पागल हो गया साधु, बार बार के काट रहा है बिच्छू और ये बचाया जा रहा है। तो उसने कहा भैया आप क्यों बचा रहे हो, मूर्ख हो गया? साधु ने कहा नहीं, साधु ने कहा इसका काम काटना है, मेरा काम बचाना है, मैं अपना काम कर रहा हूं, अपना काम कर रहा है, दैट्स ऑल। मतलब ये तो चलो कुछ भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक डिवोटी थे वासुदेव दत्त, वासुदेव दत्त नहीं वासुदेव विप्र, तो वो उनको एक्चुअली कोड़ सा हो गया था, तो कोड़ होते हैं ना, कोड़ में जख्म हो जाते हैं, कोड़ भी नहीं, एक कोड़ नहीं था एक्चुअली, जख्म हो गए थे शरीर में, कोड़ नहीं था, जख्म हो गए थे, और उन जख्मों में कीड़े पड़ गए उसके अंदर, जख्म के अंदर कीड़े। कभी देखा है किसी ने? मैंने देखा है हॉस्पिटल में। एक हमारे पास पेशेंट आया था हिंदू राव में, मतलब मैं ड्यूटी पे ही था डॉक्टर, तो पेशेंट आया नाली में पड़ा हुआ था शराब पी के, उसको पकड़ के लेके आया हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके आता था ना, एमसीडी वाले लिया है, उसके पूरा जख्म था सर पे, पूरा गिर गया था, चोट लग गई थी, और उसमें मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया अंदर, सर के अंदर पूरा सारी मधुमक्खी छत्ता, मधुमक्खी सारी यहाँ यहाँ पूरे मुंह के अंदर घुसी पड़ी थी। आएगा मुझे बुलाया उन्होंने, डॉक्टर डॉक्टर साहब आइए, मैंने मैं तो बेहोश ही हो, मैंने मैं नहीं कर रहा है ट्रीटमेंट, मैं जा रहा हूँ, जो करना है कर लो। तो मैं तो साइड में हो गया, फिर दूसरा सीनियर डॉक्टर को बुलाया, तो उसका एक ही इलाज होता है, तो हम लोग वो लेके आए नाइट्रस हाइड्रोजन नाइट्राइट, मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं वो होता है ना एसिड, एसिड वो नहीं होता तेजाब, तेजाब टाइप का, तो वो लाए, हमने ग्लव्स पहना, तेजाब लिया उसके सर पे सीधा, वो चिल्ला रहा था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ऐसे ही करते हैं, वो चिल्ला रहा है, फिर सारी मक्खियाँ मक्खियाँ कुछ मरी उसकी, फिर वो धीरे धीरे निकाला, पड़ा रहा एक दिन वहीं पड़ा रहा, वो कैसे निकालेंगे मक्खियाँ, हम चले गए, देखा जाएगा कल देखेंगे। ऐसा भी होता है, यू कैन इमेजिन। और हम रोते रहते हैं मेरा बर्तन खो गया, मतलब पागल पागल है यार, पागल दिमाग आउट है, ऐसे ऐसा हो रहा लोगों के साथ, और हम छोटी छोटी बातों पे रो रहे हैं। भगवान की कृपा है कि हम स्वस्थ हैं, बहुत बड़ी कृपा है, एटलीस्ट हाथ पांव तो चल रहे हैं, एक पंखा मिल रहा है। इंसान में एक बहुत बड़ा दोष होता है, जो नहीं होता ना उसके लिए रोता रहता है, और जो होता है उसके लिए कभी भी भगवान को धन्यवाद नहीं करता, संतुष्टि नहीं हुए है, कृतज्ञ। सो आई थिंक मुझे लगता है हर दो हफ्ते में गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक ट्रिप ले जाना चाहिए सबको। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सीन बहुत गंदा होता है। गए हो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल? गया यहाँ पर कोई गए हो? गया नहीं, मतलब बहुत बुरी हालत होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। हमने तो काम किया ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो पता ही है, उसको फेंक देते हैं साइड में पड़ा रहता है ऐसे कॉरिडोर में, किसको क्या लेना देना। सो लाइक दैट, कृपया भूतजम दुखम, दैट्स वॉट वी हैव टू लर्न। मतलब हमारा कोई भी कुछ भी हमें परेशान कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा उसके कल्याण के बारे में सोचो, जितना आपको तंग कर रहा है उतना और कल्याण के बारे में सोचो, जितना आपसे द्वेष कर रहा है उतना और भगवान से प्रार्थना करो कि इसको सत सत रास्ते पे, उसी को भगवान की कृपा मिलती है।
सो ये सिर्फ मैं गीता की बात नहीं कर रहा, बाइबल कुरान सब जगह लिखा है, एक सेम स्टेटमेंट हर जगह है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है ये, जो द्वेष करता है उससे प्रेम करो। अगर आपने यहां तक पहुंच गए तो समझ लो आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ रहे। ऑफ कोर्स देन यू हैव टू उसके लिए भक्ति स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके सो कृपया भूतजम दुखम पाइन दैवम जय्यात समाधि न। और कई बार हमें दुख आते हैं भाग्य से, अब भाग्य से आते नहीं आते हैं, कई बार दुख आते हैं, मतलब आपका कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, या कई मतलब कोई डूब गया, मतलब भाग्य भाग्य खराब होता है ना, आपके जॉब में प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, फिर प्रॉब्लम्स पर किस्मत ही फूटी हुई है, नहीं कई बार ऐसा होता है, उससे मन परेशान होता है, भक्ति नहीं कर सकते। नारद मुनि कह रहे हैं उसका क्या सॉल्यूशन है, जय्यात समाधि न, ब्यूटिफुल सॉल्यूशन, समाधि के द्वारा भाग्य व्यक्ति बदल सकता है, ज्योतिष नहीं बदल पाएगा। आप चले जाओ ज्योतिष के पास, वो थोड़े बहुत वो बता देगा, नुस्खे नुस्खे होते हैं ना ज्योतिष बताते नहीं आजकल, आजकल ज्योतिष बहुत बता रहे हैं, आजकल ज्योतिष कहते हैं कुत्ते रखो, वही कह रहे हैं तभी लोग कुत्ते रख रहे हैं, दिल्ली में तो भर गए कुत्ते, मैंने पूछा यार कुत्ते उत्ते क्यों रख रहे हैं इंडिया में, ज्योतिष बोलते हैं कुत्ता रख लो तो ठीक हो जाएगा। हमारे एक डिवोटी भी ले आए थे, एक डिवोटी थे उनकी वाइफ को, उनको परेशान थी तो ज्योतिष के पास गए तो उसने कहा कुत्ता रख लो ठीक हो जाएगा, तो कुत्ता ले आई वो, तो जो हस्बैंड है उसका तो कह रहे थे भाई एक महीने में मैं परेशान आ गया, मैंने कहा क्या हो गया प्रॉब्लम क्या थी, कहता है भैया शाम को फोन आया वाइफ का, भैया आ घर नहीं आ रहे क्या हो गया, कुत्ते को घुमाने ले जाना है यार मेरी ये ड्यूटी लगी है सुबह शाम उसको घुमाने ले जाऊं, और फिर पूरा घर में कभी पॉटी कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, इतनी स्मेल हो गई उसने उसने फिर उसने कुत्ते वाले को बुलाया जिसे खरीदा था, तो पता नहीं आई थिंक उसने क्या, तो आई थिंक 10,000 रुपये कुत्ता खरीदा था, अब तो और महंगे मिलते हैं 4-5 साल पहले, तो उसने कुत्ते वाले को, उसने कहा भाई तू ले जा यार तू 10,000 मुझसे ले ले मगर आज ही ले जा तू, बस मैं नहीं रख सकता इस पागल को। ज्योतिष ऐसी चीजें बोल रहे कुत्ते को रख लो या बर्ड्स को चना डालो, बहुत ज्यादा हो गया आजकल लोग चना डालते रहते हैं बर्ड्स को, चना 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 ही डालते हैं, मगर उससे कुछ भी नहीं होगा आप कर लो, कुछ नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें दो चीजें हैं, पहली चीज है कि एक तो आप ये सारी चीजें अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, है नहीं, स्वार्थ के लिए जो भी धर्म किया जाता है उसका फल पहले 50% हो जाता है, उसका फल नहीं मिलता, पहली बात तो ये अपने लिए कर रहे हो ना, तो धर्म का फल पहले 50% गया। दूसरी बात यह है कि जिस धर्म में भगवान विष्णु या कृष्ण नहीं होते उस धर्म का फल 0 हो जाता है, तो ये सारी चीजें काम ही नहीं करेंगी, अगर आप भक्ति नहीं करोगे तो ये सारी चीजें काम नहीं करती। भाई आप गाड़ी ले आओ, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे गाड़ी चलेगी, ले आओ आप ले आओ गाड़ी मर्सिडीज ले आओ कोई प्रॉब्लम नहीं, BMW ले आओ चलो कितने की आती है 60 लाख की आती है, मगर पेट्रोल मत डालो तो चल जाएगी, नहीं बहुत अच्छी गाड़ी है देखो 60 लाख की है तो क्यों नहीं चलेगी पेट्रोल, पेट्रोल के बिना भी चलनी चाहिए, देखो 60 लाख की है ना, चाहे 60 लाख की हो चाहे 2 करोड़ की हो चाहे 20 करोड़ की हो चाहे 100 करोड़ की, बिना पेट्रोल के वो नहीं चलने वाली। इसलिए आप कोई भी पुण्य कर लो कोई भी नुस्खे लगा लो बिना भगवान कृष्ण की भक्ति है कोई काम नहीं करने वाला, 0 है। मगर आप कहोगे भाई हमारे दोस्त ने तो किया उसका तो काम बन गया, और मेरी भाभी ने किया उसका भी काम बन गया, वो तो अब ये है कि आधे लोगों का तो काम अपने आप ही बन जाएगा, है नहीं भाई, कुछ लोगों का तो अपने आप ही बन जाएगा, जिनका बन गया उनको लगता है किसकी वजह से बन गया, और फिर 10 लोगों को और बोलते हैं, तो ऐसी चीजें बढ़ती रहती हैं। जिसका नहीं बना वो चुप होकर बैठ जाएगा कि मैं क्यों बताऊं नहीं बना मेरी बेइज्जती होगी, है नहीं तो इसलिए किसी को पता नहीं लगता कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सो ये सब बेकार की बात है। दैवम जय्यात समाधि न, समाधि के द्वारा आप भाग्य बदल सकते हो। समाधि मतलब पता है क्या होता है, समाधि मतलब समझते हो क्या होता है, धी मतलब क्या होता है, बुद्धि ध्यान, सम मतलब पूरी तरह, भगवान कृष्ण में पूरी तरह ध्यान लगाने से भाग्य बदल सकता है आप अपना ही नहीं दूसरों का भाग्य भी बदल सकते हो, इतनी शक्ति आ जाती है। सो इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं केवल भगवान में मन लगाओ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, बट समाधि मीन्स परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन,
मतलब आप कह रहे हो हम भी चैंटिंग कर रहे हैं तो हमारा भाग्य इतना नहीं बदल रहा, वेल आपकी अभी ध्यान बहुत कमजोर है, कच्चा है, इसलिए नहीं तो बदल रहा। जैसे जैसे ध्यान बढ़ता रहेगा चैंटिंग में, भगवान के नाम में मन स्थिर होने लगेगा, वैसे वैसे आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। बल्कि शास्त्रों में तो भी लिखा है कि भगवान के मंदिर में आकर जो ताली बजाता है उसके हाथ की रेखाएं बदलना शुरू हो जाती हैं। ऐसा नहीं बदल जाएंगी सारी, बट शुरुआत तो हो ही जाती है। सुदैवम जय्यात समाधिना आत्मजम योग वीर्येन। शरीर से भी दुख मिलता है, बीमारियां आती हैं, है नहीं, उससे भी मन परेशान होगा, भगवान में मन नहीं लगेगा, तो उसको कैसे हम क्या करें अपनी हेल्थ ठीक रखने के लिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं वैसे तो योग के द्वारा आप शरीर की बीमारी, चलो वो तो रामदेव बाबा कहते ही हैं, कोई बड़ी बात, योग करना खराब नहीं है, मगर ये समझना कि ये जीवन का लक्ष्य है वो खराब है, समझे। उससे अब हरे कृष्ण क्या हो रहा है, अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकते हो आप उससे थोड़ा बहुत करके, क्योंकि योग करना मतलब, योग करना मतलब एक्सरसाइजेज है, टेक्निक है, कुछ एक्सरसाइज है आप कर लो ठीक हो जाओगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मगर वही जीवन का लक्ष्य बनाना वो प्रॉब्लम है। कि सुबह उठते ही भैया वो उल्टा लटकने चले गए पार्क में, सुबह उठते पहले भगवान की पूजा तो करो फिर जाओ ना तो ठीक है। आप सुबह उठते आप हंस रहे हो पागलों की तरह वहां लटक रहे हो, वो तो क्या है, भगवान पिक्चर में ही नहीं है। बल्कि लोग योग, आजकल लोग योग करते हैं ओम भी बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते, मैंने देखा क्या किस कैसे कुछ क्या प्राणायाम बोलते हैं, कैसे ओम है उज्जयी प्राणायाम ओम ओम, तो वो तो सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए कर रहे हैं ना, उससे भगवान से तो कोई मतलब ही नहीं है उसको, है नहीं। सो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। सो कुछ एक्सरसाइजेस ठीक है, चाहे योग करो, चाहे थोड़ा सा पार्क में भाग लो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ खेल लो, वॉट एवर इट इज, सम एक्सरसाइज इज गुड। मशीन है ना, मशीन को एक्सरसाइज तो कराना अच्छा है, बट उसको ही जीवन का लक्ष्य बना के सबसे पहले उठ के वही करते रहना, वो चीज खराब है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो उससे हेल्थ ठीक रहती है। इनफैक्ट शीला प्रभुपाद से पूछा था कि प्रभुपाद हम हेल्थ कैसे सही रखें, तो प्रभुपाद ने कहा सिंपल है, कीर्तन में नाचो। प्रभुपाद ने बोला कीर्तन में नाचने में सारे योग के अंग हो जाते हैं, मतलब आपका तो कीर्तन में नाचने से आसन भी हो जाएगा एक, तो योग में एक आसन होता है ताड़ आसन, सुने ऐसे हाथ करके खड़े नहीं होते हमारा ऐसे, हरे कृष्णा ताड़ आसन हो गया, लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट उछल कूद तो हो गई, एक्सरसाइज तो हो गई, प्राणायाम भी हो जाता है, सांस भी तेज हो जाती है, कपाल भाती हो जाएगा अगर बहुत तेज कीर्तन करोगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो प्रभुपाद कह रहे, मैं नहीं कह रहा बाय द वे, प्रभुपाद कह रहे डिस्कशन में। सो कीर्तन करने से अपने आप एक्सरसाइज हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कीर्तन में डांस करोगे हो जाएगा बस, दैट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज, अब कुछ जरूरत ही नहीं है ज्यादा कुछ। ओके, और सबसे बड़ी रुकावट है एक नींद। नींद का क्या करें, मतलब आधे से आधा टाइम वेस्ट नींद करती है नहीं, सो के सारा टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा। सो उस पे कैसे विजय करें, निद्रा पे, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि नींद को आप थोड़ा छेड़ोगे तो बीमार हो गए सीधा। खाना तो फिर भी कम कर सकते हो, पानी फिर भी कर सकते हो, नींद कम नहीं कर सकते। नींद को छेड़ने से सीधा आप साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जाओगे, माइंड ही आउट होता है सीधा कम सोने से। इसलिए आप कभी भी साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जाओगे सबसे पहले वो स्लीप पूछेगा भी सो रहा सही से है नहीं। नींद का बहुत बड़ा रोल है माइंड के लिए, बॉडी के लिए शायद नहीं है, मन के लिए है, इस पर भी डिबेट चल रही है, बट स्लीप इंपॉर्टेंट है। तो अब नींद, मगर नींद टाइम वेस्ट है, आप 6 घंटे सो रहे हो, 6 घंटे आपके खत्म होगा जीवन पे, कहाँ से आएंगे वो। और उस 6 घंटे सोने में आप भगवान को भी भूल गए, अपने आप को भी भूल गए, सबको भूल गए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि 1 सेकंड भी विष्णु का विस्मरण हो जाए तो वो मृत्यु से भी बदतर है। 1 सेकंड भी भगवान का विस्मरण हो जाए तो मृत्यु से भी बदतर है, दैट्स रिटन इन स्क्रिप्चर्स। वहीं से चले जाओ, वहीं से चले जाओ, आपको जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जस्ट क्लोज दैट, जस्ट गेट अप एंड क्लोज दैट. वो बाहर शीशे का भी गेट बंद कर लो. सो क्या करें फिर, कैसे विजय करें नींद पे? उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, निद्राम सत्व निषेवया. सतो गुण के द्वारा नींद पे विजय हो सकती है. प्रभुपाद लिख रहे हैं ब्राह्मण गुणों का विकास करने से, अच्छे गुणों का विकास करने से नींद पे विजय हो जाएगी. नींद पे आप ऐसे विजय नहीं कर सकते कि आप जाग लोगे बस. जैसे हम हॉस्टल में पढ़ने मेडिकल कॉलेज में गए थे, मेडिकल कॉलेज में तो जागना पड़ता है फाइनल ईयर में, आप पास नहीं होंगे तो हमारी कैंटीन. सो यू वर इन विच हॉस्टल? नेहरू हॉस्टल में थे, मैं भी उसी में था नेहरू में. तो वहाँ पे कैंटीन थी ना नीचे, तो हम लोग अपना पूरी जाग रहे हैं तो वहाँ पे भाई अपना बर्गर खा रहे हैं, चाय पीते जा रहे हैं जागने के लिए, ऐसी होता नहीं. बट दैट्स ये आयुर्वेद में लिखा है कि कुछ चीज़ें खा पी के भी आप जाग सकते हो, कुछ दवाइयाँ होती हैं उससे जाग सकते हो, बट वो सारे जुगाड़ होते हैं. तबीयत भी खराब हो गई, फिर सोना भी पड़ेगा बाद में. बेस्ट है नींद को जीतने का रास्ता है, रोक के भी नहीं जीत सकते आप. आप जितना रोकोगे उतना आपको स्लीप डेफिसिट हो जाएगा. स्लीप डेफिसिट समझते हो आप? मान लीजिए आपने दो दिन दो दो घंटे कम सोए, तो तीसरे दिन आप चार घंटे सो गए एक्स्ट्रा, वो शरीर निकाल ही लेगा, वो कैलकुलेशन खराब नहीं, वो खत्म नहीं होगी. मान लीजिए आप रोकते रहे, जैसे प्रोग्राम आ गया बड़ा प्रोग्राम, आप लेट नाइट सो रहे हो, कम 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 सो रहे हो, फिर प्रोग्राम खत्म होते ही एक हफ्ता आप पूरी भड़ास निकालोगे. वो शरीर निकालेगा, कुछ कर नहीं पाओगे, वो पूरा कंप्लीट करेगा, वो रोक नहीं सकते. उसको स्लीप डेफिसिट कहते हैं. वो शरीर में वो नींद रोकोगे तो वो क्या कहते हैं, वो एक्यूमुलेट होती रहे, जमती रहेगी धीरे 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 धीरे, फिर सब निकलेगा बाद में. मगर शीला प्रभुपाद दिन में दो घंटे सोते थे, रात को दो घंटे बस, अब वो भी नहीं सोते थे कभी कभी. और ऐसे उन्होंने एक महीना दो महीना नहीं किया, ऐसे उन्होंने 30 साल किया. 30 साल रोज रात को सिर्फ दो घंटे सोते थे, वो भी नहीं, और काम करते थे. अब वो कैसे पॉसिबल है? तो यहां पे कह रहे ब्राह्मणिकल गुणों के द्वारा आपको अपने अंदर गुण लाने पड़ेंगे. सत्य, तप, तपस्या, यज्ञ, त्याग, ये जब तक अच्छे गुण नहीं आएंगे तब तक नींद पे विजय नहीं हो सकती, आप फंसे रहोगे उसके अंदर. और ये गुण लाने के लिए मेहनत चाहिए. ये गुण लाने के लिए भगवान की भक्ति बहुत स्ट्रांग चाहिए, वरना गुण नहीं आते. तो इनको बोलते हैं दिव्य गुण. दिव्य गुण कैसे? अभयम सत्वसम शुद्धिर आस्तिक के, हम गीता में पूरी लिस्ट है ना, अभय सत्य शौचम मतलब क्लीनिनेस, उसके बाद आस्तेय सरलता, ये सारे अच्छे गुण हैं. इन सबसे मैत्री का भाव, नहीं द्वेष नहीं होना, ये जब तक अच्छे गुण नहीं आएंगे तब तक नींद पे विजय नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं. आप कुछ भी कर लो इम्पॉसिबल है. सो दैट्स हाउ इस तरह हम नींद पे विजय कर सकते हैं. जब तक अच्छी भावनाएं नहीं होंगी तब तक नींद आएगी. नींद क्या है? नींद कुछ नहीं है, नींद पनिशमेंट है. नींद पनिशमेंट है, शास्त्रों में लिखा है. पनिशमेंट समझते हो ना? पनिशमेंट कैसे कहेंगे? दंड. दंड है नींद. जो जिन 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 लोगों के हृदय में गंदी भावनाएं होती हैं उनको नींद आती है, तो माया उनका समय नष्ट कराएगी, सुला देगी, भुला देगी उसको, अपने आप ही कोई भुला देगी. दंडनीय व्यक्ति है ना, भुला दो इसको अपने आप को. सो कोई अच्छी चीज नहीं है वो. और दंड किसको मिलता है? जो बुरा व्यक्ति है. बस है, फ्रेश क्यों आते हैं? क्योंकि बुरे हो ना, जैसे शराब पी के फ्रेश हो जाते हो. बुरा आदमी शराब पी के फ्रेश हो जाता है, सुट्टा मार के फ्रेश हो जाएगा, वाह, इसलिए हो. जो अच्छे लोग होते हैं वो तो नींद के बाद दुखी होते हैं, इतना समय नष्ट हो गया यार, क्या हो गया है, 6 घंटे खत्म हो गए मेरे लाइफ के, 6 घंटे में भगवान को भूल गया, मैंने भजन ही नहीं किया, कितने दुर्भाग्य की बात है. सो ये कैसे होगा? तो इसलिए फिर उनकी नींद कम होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है. नहीं, सो दैट्स हाउ नींद पे विजय कर सकते हैं.
सो अगर आप ध्यान रखोगे ना, आपको ये ध्यान रख, आपको कॉन्सेप्ट बदलना पड़ेगा। नींद एक दंड है, और जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ में होता है उनको दंड दिया जाता है। तो आप जितना सो रहे हो इसका मतलब उतने गंदे हो। अगर कोई 6 घंटा सो रहा है, कोई 8 घंटा सोने जाते, तो कोई आलसी है, सोता ज्यादा, इसका मतलब बहुत उसका हृदय अभी काम चाहिए, उसको अपने हृदय में प्रॉब्लम है, उसके अंदर बहुत ज्यादा बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि मतलब सोना और नींद आपका तमोगुण का लक्षण है ना, वो नीचे जा रहा है, तमोगुण में जा रहा है। तमोगुण तभी काम करेगा जब तक, तमोगुण की शक्ति तब काम करती है जब हृदय में काम क्रोध लोभ में होता है, तब काम करती है। जब हृदय शुद्ध होगा तो तमोगुण शक्ति काम नहीं कर सकती आप पे, फिर सतोगुण की शक्ति काम करेगी, अपने आप अलर्ट रहोगे। सो दैट्स हाउ नींद पे विजय की जाती है। दैट्स इसलिए टाइम लगता है, नहीं अच्छे गुण लाने में टाइम लगता है, नहीं लगता है। इसलिए नींद जैसे जैसे आप भक्ति करते रहोगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आप में अच्छे गुण आएंगे ऐसे ऐसे नींद कम होगी। नींद कम होने से आपको पता लग जाएगा कि आप में अच्छे गुण आ रहे हैं, ये भी तरीका होता है। जैसे जैसे आपकी नींद कम होती रहेगी इसका मतलब आप समझ लो कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, इसका मतलब एक ब्राह्मणिकल दैवी गुण आ रहे हैं आप में। और ऐसा नहीं हो रहा आप ऐसी भैंस की तरह सोए पड़े हो, रोज चलती जा रही है भक्ति। प्रभुपाद कहते हैं स्लीप इज अ टेस्ट ऑफ डिवोशन, मगर ये बात है आर्टिफिशियली नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास प्रभु जी मैंने कर दिया सारे अच्छे गुण आ गए, कैसे कैसे पता? प्रभु जी मैं रोज 4 घंटे सो रहा हूं, देखो 2 घंटे कम कर दिया मैंने, वो फिर काम नहीं चलेगा। वो तो फिर आप जोर जबरदस्ती करके कर सकते हो, पूरे दिन आपको नींद आती रहेगी, बैठे बैठे झोंके आते रहेंगे, फिर वो प्रॉब्लम है, फिर आर्टिफिशियली चल रहा है वो सब। तो नींद कम करनी है तो फोकस नींद कम करने पे मत करो, नींद कम करनी है तो फोकस करो अपने में अच्छे गुण लाने में, वो अपने आप कम होगी, इस तरह से होता है। ओके एंड देन आई थिंक नारद मुनि रैप अप कर रहे हैं, फाइनल कंक्लूजन दे रहे हैं। रजस्तमयति सत्वेन, रजो और तमो गुण को विजय करना है तो सतोगुण में आओ। तो तमोगुण का लक्षण क्या है? आलस्य और निद्रा। और रजोगुण का लक्षण क्या है? इच्छाएं। तो रजोगुण और तमोगुण पे विजय करना है तो सतोगुण में आओ। सतोगुण का लक्षण क्या है? हाँ, ये सतोगुण का लक्षण है भगवान से जुड़ना, सतोगुण या विशुद्ध सत्व एक ही बात है। शास्त्रों का अध्ययन सतोगुण का लक्षण है, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को चलाना वो सतोगुण का लक्षण है, तो अपने आप हो जाएगा। सत्वम च क्षमेन च, और भक्ति के द्वारा सतोगुण से भी परे चले जाओ, सतोगुण भी आपको रोक देगा। अच्छा आप इस संसार में बुरे बनो या अच्छे बनो एक ही बात है, बुराई भी आप एक ही बात कैसे आप कहोगे? एक बात मतलब एक बात ऐसे नहीं है, अच्छा बनना ज्यादा अच्छा है बुरे बनने से, तो अच्छा बनना है, पर अल्टीमेटली एक ही बात है। क्योंकि चाहे बुरे हो चाहे अच्छे हो, फिर भी जन्म मृत्यु में हमेशा के लिए फंसे रहोगे। नहीं मतलब जेल में आप अच्छे हो या बुरे कैदी हो, एक ही बात है ना, कैदी हो ना। हाँ ये बात है कि जेल के अंदर अच्छे कैदियों को थोड़ा ज्यादा स्वतंत्रता होती है, नहीं अच्छे कैदियों को, बुरे कैदी तो और फंसे रहते हैं, इतना होता है, मगर वैसे तो दोनों ही कैदी हैं। इसलिए भागवत कह रही है अच्छा और बुरा दोनों भ्रम है मन का, इन सब दोनों से ऊपर उठना पड़ता है। बुराई से ऊपर उठो अच्छाई से, अच्छाई से ऊपर उठ जाओ भक्ति के द्वारा। हम उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं, अच्छा हम अच्छा बनने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, है नहीं? एतत् सर्वम गुरौ भक्तया पुरुषो अंजसा चयेत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नारद मुनि कह रहे हैं जो भी मैंने तुम्हें तरीके बताए हैं काम क्रोध लोभ मोह को विजय करने के, सारी बात की एक बात है, गुरु भक्ति से सब कुछ संभव है। गुरु भक्ति मतलब हमारे परंपरा के आचार्य, जो हमारी परंपरा की जो बातें हैं अगर आप एज इट इज फॉलो कर लोगे, जो संप्रदाय की बातें हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उससे अपने आप सब कुछ हो जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैष्णवों की बात मानने से, पॉइंट है बात मानने से, भक्तों की बात मानने से सब कुछ संभव हो सकता है, मन पे यूं विजय आ जाएगा। आपको अलग अलग ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग
तरीके अपना सकते हो, बट बेस्ट है कि हम भागवत की और संप्रदाय की और वैष्णव की बात माने, हो जाएगा बस। तो बात मानने में बहुत बड़ी शक्ति है, पता है, मैं कल भी बता रहा था, मैं जो बात नहीं मानेगा वो कुछ भी करता रहे उसको कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। वो स्मार्ट जरूर बन सकता है और वापस उत्तर भी दे सकता है, मगर वो गया काम से। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि भक्तों के सामने, वैष्णव के सामने मूर्ख बन के रहना चाहिए। सुने, महाप्रभु ने बोला है मूर्ख बन के रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटेलिजेंट बन के रहोगे तो आपको वो बोलेंगे भी नहीं ज्यादा, वो कहेंगे ज्यादा ही इंटेलिजेंट बन रहा है, मैं क्यों बोलूं इसको, फिर हम नहीं बोलेंगे ऐसे। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, सभी ऐसे करते हैं। अगर कोई ज्यादा इंटेलिजेंट बनता है मुझसे ज्यादा बोलते नहीं कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, क्योंकि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो फिर अपने बात अपने दिमाग में कुछ बना के कुछ सोचेगा, फिर वो सुनेगा नहीं बात, तो उसको हम छोड़ देते हैं। और हम बोलते उसको हैं जिसको हमें पता है जो सुनता है, तो उसको फायदा होता है नहीं, और जिसको छोड़ देते हैं उसको लगता है कि अरे हाँ ठीक है सब कुछ अच्छा चल रहा है, मगर अच्छा नहीं चल रहा, प्रॉब्लम है। हम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उसको बुरा लगता है जब हम बोलते हैं, नहीं। एक्चुअली एक सेंट हैं, क्या नाम है, मैं तो भूल गया, सेंट टेरेसा वेला, तो उसने लिखा है कि द मोस्ट अनफॉर्चुनेट मैन और वुमेन ऑन दिस प्लैनेट इज ही और शी दोज हु गेट हर्ट ऑन बींग कमांडेड। मतलब हिंदी में, सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वो है संसार में जो बुरा मानता है जब उसको कोई उपदेश दिया जाता है, उसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसको कोई बता ही नहीं सकता वो गलत है, है नहीं, उसको सही सही कैसे होगा, क्योंकि गुरु भी डर के रहेगा, इसको बताऊंगा यार इसको बुरा लगेगा, ये वैसे ही बुरा मानता है तो चलने दो, और फिर अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, वो एक दिन गिर जाएगा, वो चला जाएगा भक्ति से। सो अच्छे वैष्णवों को तो बड़ा अच्छा लगता है जब उनको कोई बताता है ये तुम्हारी गलती है, ये गलती है, ये गलती है, जब उनको डांट पिटती है, दे आर सो हैप्पी, चलो इस संसार में कोई तो है जो मेरे कल्याण के बारे में सोच रहा है नहीं, बिल्कुल उल्टी थिंकिंग है। सो इसलिए कहते हैं कि वैष्णवों की बात मानने में ही सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारा। तो वो क्या है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई वे केवा, अगर वैष्णव सेवा छोड़ दोगे तो संसार से बाहर नहीं निकल सकते। वैष्णव सेवा का मतलब है कि उनकी बातें सुनना, वो कुछ बोल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको स्वीकार करो, बुरा मत मानो, क्योंकि संसार में भगवान के पास ले जाने वाले उंगलियों में गिन लोगे आप, कोई है ही नहीं जो आपको भगवान के पास ले जाने के लिए प्रेरणा देगा, कोई है, सभी खींच रहे हैं आपको भगवान से दूर, संसार तो ऐसे ही है ना, सब लोग आपको भगवान से दूर करेंगे, कुछ ही लोग होंगे जो आपके भले के बारे में सोच रहे होंगे कि भगवान के पास ले जाए, अगर उनसे भी सुनना छोड़ दे तो आप गए, खो गए संसार में। इसलिए यहां पे कह रहे हैं सब कुछ संभव है अगर आप वैष्णव की बात सुनोगे तो, और कभी भी भूल के भी अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो उसका बैक आंसर मत करो, बैक आंसर समझते हो, पलट के कभी मत बोलो, क्योंकि उसका फल अगले जीवन में गूंगे बनोगे, उसका फल यही है, 100% गूंगे बनोगे, क्योंकि आपकी वाणी छीन ली जाएगी, क्योंकि जो आपको कल्याण चाह रहा है आप उसके पलट के बोल रहे हो, जो आपको भगवान के पास ले जाना चाहता है उसको पलट के बोल रहे हो, तो फिर मतलब फिर कौन आपकी मदद करेगा, सो उसका फल मिलेगा, उसका पाप लगेगा आपको। तो इसलिए चुप रहने में बहुत बड़ा गुण है, दैट यू हैव टू लर्न, और स्पेशली वैष्णवों के साथ रहोगे तो सिर्फ पाप नहीं लगता, अपराध भी लगता है, वो पाप 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान के भक्तों के साथ कर रहे हो ना वैसा, तो दैट्स वेरी डेंजरस सिचुएशन, सफर करना पड़ता है फिर उसका, बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं।
सो दिस इज, इसलिए भागवत कह रही है लिसन ओबे एंड फॉलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुनो मानो और जीवन में उसको लगाओ और चलते रहो बस। अब भगवान खुश होंगे बहुत, भगवान को खुश करना है ना आपको, कोई उत्तर थोड़ा ना देना वापस कि मैं स्मार्ट बन गया, मैंने जवाब दे दिया, ऐसे ऐसे होता है नहीं, होते नहीं होते, लोग ये सोचते हैं ना किसी ने कुछ बोल दिया उसने जवाब दे दिया, फिर वो बाद में कहेगा देखा ना जवाब दे दिया मैंने, देखा कोई उत्तर ही नहीं रहता उनके पास मेरी बात का। आपने कुछ अचीव नहीं किया, आप फेल हो गए, बल्कि जीत के भी हार गए, क्योंकि आप जीत गए मगर भगवान अप्रसन्न हो गए, हार गए आप। सो दैट्स, इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति का मतलब ये होता है टू फॉलो एंड टू लिसन एंड टू ओबे। सो इसलिए नारद मुनि यहाँ पे कह रहे हैं दैट्स इट, ये कुछ एडवाइजेस हैं और आई जस्ट फिनिश है। कोई क्वेश्चन है? जस्ट फिनिश है, फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे टॉपिक ही खत्म हो गया। या कोई कुछ कोई पूछना कुछ कहना है? अनाउंसमेंट, एक सेकेंड, कुछ कहना है? अदरवाइज विल जस्ट फिनिश एंड स्टॉप हियर। फिर अनाउंसमेंट भी है, अगर कुछ नहीं है तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।